अरुण सर, हमने देखा कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा, डॉक्टर्स यहाँ पर थे, लोग यहाँ पर थे और लोग बात कर रहे हैं। बड़ी बात यह है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर या इस तरह की जितनी भी बीमारियाँ, लोगों में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। रोटरी क्लब इसको लेकर बहुत बढ़िया मुहिम चला रहा है और तमाम जगह पर चला रहा है। रोटरी क्लब को लेकर अगर हम बात करें तो क्या प्लानिंग उसकी है आने वाले दोनों के हिसाब से और अभी क्या क्या चल रहा है? इनफैक्ट रोटरी इज बिकॉज हेल्थ जी, एक रोटरी का फोकस एरिया है। कैंसर उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन के साथ में रोटरी के एफर्ट्स में लगा हुआ है। हमारा एक फाउंडेशन भी है जो एम्स के अंदर ही स्थित है जी। वो बिल्डिंग हमारी है, हमारे वहाँ रोटेरियंस बैठते भी हैं और काम भी करते हैं। झज्जर में भी अभी एक कैंसर फाउंडेशन खुला है और एक सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन, उसमें रोटरी काफ़ी पैसा खर्च कर रहा है। सो हमारा जो ध्येय है वो ये है कि जैसे पोलियो रोटरी ने ख़त्म किया, वैसे ही ब्रेस्ट कैंसर की एक मुहिम चलाई जाए। और हमारे दो क्लब्स ने मेमोग्राफी वैन्स चालू किए हैं, वैन्स हैं और बड़ी एक्सपेंसिव वैन्स हैं और इनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट हफ्ते में 3-4 दिन स्लम एरियाज़ में, बिकॉज ये जो मेमोग्राफी टेस्ट होता है ये करीब 5,000 रुपये का होता है जी। सो एक आम अंडरप्रिविलेज्ड इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है उस पर खर्च करना, तो वहाँ जाती हैं ये वैन्स और एक दिन में 30-40 लोगों को डिटेक्ट करती है। उसके बाद हम फॉलो भी करते हैं जी। और आगे भी जैसे फाउंडेशन है वो, उसमें लोग डोनेशन बहुत करते हैं, रोटेरियंस मिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशन जाता है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड एंड यू विल बी हैप्पी टू नो कि लास्ट ईयर रोटरी इंटरनेशनल WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में सेकेंड लार्जेस्ट डोनर था। हम लोगों ने करीब 400 मिलियन डॉलर्स डोनेट किए थे। सो हेल्थ और हेल्थ के ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी चीज़ है, अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो उसको ईजिली क्योर किया जा सकता है। इसका सोशल स्टिग्मा बहुत है, इसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत है, तो हम इसको एक होलिस्टिक वे में लेते हैं। न सिर्फ कैंसर का ट्रीटमेंट करना, साइकोलॉजिकली जो पेशेंट्स हैं उनको टैकल करना, तो एक ये बहुत बड़ा मुहिम रोटरी चला रही है। और आगे आने वाले सालों में न सिर्फ एफर्ट्स बढ़ेंगे, रिसोर्सेज बढ़ेंगे, बल्कि रोटेरियंस भी अपने एफर्ट्स को और ऑगमेंट करेंगे। थैंक यू।